अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज मैथ्स में सेकंड ईयर मैथ्स के ऊपर टू चैप्टर का आज एक्सरसाइज 2.5 और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि 10 ईयर में 6 ईयर कंफर्म आता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इम्पोर्टेंट कि आप ये समझे कि अगर एक साल ना आया हो तो अगले साल तकरीबन ये क्वेश्चन कंफर्म होता है। और थोड़ी सी रद्दबदल क्वेश्चन में की जाती है जो मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन 2.5 का टॉप लिस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एवरी ईयर, ठीक है। बाज़ बात तो ऐसा हुआ है टू ईयर कंटिन्यू भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये कि हम चैप्टर नंबर 2, आज इसकी चैप्टर की आखिरी वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2.5 में से, वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, लेकिन यहाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, बट आपको बता दिया, आप नोट कर लें कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि हमें क्या लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपकी सहूलत के लिए हमने इसको बेहतर तरीके से सॉल्व कर लिया है ताकि समझाते हुए आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, हमारा भी और आपका भी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स इक्वल टू 3। अच्छा, जब ये बोर्ड क्वेश्चन में बार बार आता है, एक साल छोड़ के एक साल आता है, तो वो क्या चेंजिंग करते हैं कि यहाँ जो इक्वल टू 3 लिखा है उसकी जगह 1, 5 या फिर 3। और दूसरी तब्दीली ये करते हैं कि ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है या तो यही रहता है या फिर इसकी जगह चेंजिंग कर दी जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी वीडियोस में ये कहा था कि फर्स्ट ईयर के अंदर अमूमन क्वेश्चन चेंज नहीं करते, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर ये क्वेश्चन अक्सर चेंज करते हैं, सेम भी आते हैं और चेंजिंग भी चांस होता है इसमें। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो लिखा हुआ है इसकी क्या मीनिंग्स है और हमें इसके लिए क्या फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा फिगर से ही कवर होता है। अब इस क्वेश्चन में पूरी इस एक्सरसाइज में इक्वेशन बनाने का हमसे कहा गया। आप और भी क्वेश्चन करें, डिटरमाइन द इक्वेशन आपको बार बार कहा जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर हम चूंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर काम कर रहे हैं, चूंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस शॉर्ट हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से हम आपको उसी लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है आप इक्वेशन बनाएं और इस तरह से कि एक लाइन है जो इस पॉइंट से गुजर रही है, और दूसरा ये कि एक्स और वाई एक्सिस जो इंटरसेप्ट हो रहे हैं उनका सम जो है हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले हम फिगर की तरफ आ जाते हैं, और फिगर हमने आपके लिए नोट की हुई है। तो हमारे पास सिलसिला इस तरह है कि हमारे पास जब कोई भी इन्होंने बात कही होती है तो हम एक्सिस को शो करते हुए फिगर को बना देते हैं। लेकिन एक बात ये मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करूं कि हमारे पास दोनों पॉइंट्स का है नेगेटिव है, तो हमारी एक्चुअली फिगर की पोजीशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बल्कि थर्ड क्वाड्रेंट होगी। तो हम इस फिगर्स को अगर फर्स्ट करें इस तरह भी लिख रहे हैं तो ये हमारी मिस्टेक्स में काउंट हो जाता है, क्योंकि नाप तोल के हम नहीं करते। और ये फिगर हमने जानबूझ के इस तरह से बनाई है कि नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर इस तरह से फिगर बना दी जाती है, और बनाने के बाद इस फिगर्स के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा एरर होता है। क्योंकि देखिए, अगर हमने ये लाइन बनाई है वो एक्स को भी इंटरसेप्ट कर रही है, वाई को भी इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन ये इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारे पास है -2 और -4। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी जो है वो पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव हमारे यहाँ पे -x और -y यहाँ पे नेगेटिव होंगे। तो लिहाजा ये फिगर मैंने इसलिए बनाई कि अक्सर मैंने
मुख्तलिफ किस्म की गाइड्स में भी देखा और वैसे भी देखा, और बाज़ का टीचर एज अ बाय मिस्टेक्स इस तरह से फिगर बना देता है। तो सबसे पहले हम आपकी इस फिगर को क्रैक करेंगे क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि फिगर आप अगर बनाएं तो उसे तकरीबन ठीक बनाएं, लेकिन ठीक नहीं बनाएंगे तो फिर आपके नंबर इसमें कटने के भी चांसेस हैं। तो फिगर सही करते हैं पहले, तो ये हमने फिगर आपके लिए ठीक कर दी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्वाड्रेंट हमारा नंबर 3 होता है और इस क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप जब फिगर बनाएं तो मैंने आपको जानबूझ के फिगर वो बनाई जो अक्सर बना दी जाती है। मेरा टाइम भी लगा, लेकिन मैंने वो प्रैक्टिकली आपको बताया कि बाय मिस्टेक ऐसे नहीं होता कि क्वेश्चन पढ़े बगैर आप फिगर बना दें और उस फिगर में क्वेश्चन से थोड़ा सा एरर हो, ठीक है। इससे हमारी दो इक्वेशंस बन रही हैं और उनकी सही लोकेशन हमें पता नहीं होती, लेकिन हम जब इससे बनाएं तो कोशिश करें कि इसकी फिगर जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक ये ठीक नजर आए, क्योंकि इसकी एक इक्वेशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी हमारे पास आंसर अगर देखें तो दो इक्वेशन आ चुकी हुई हैं और वो दो कहीं से भी गुजर सकती हैं, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट है वो -2 और -4 है। तो बेसिकली अगर वो पॉइंट देखा जाए तो वो पॉइंट हमारा तकरीबन इधर करके -2 और -4 पॉइंट हमारा इस जानिब बनेगा, ठीक है। तो चूंकि एनालिटिकली हमें ज्योमेट्रिकली तो नहीं करना होता ये क्वेश्चन, हमें फॉर्मूलों के जरिए करना होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो फिगर का पढ़ने के बाद उसका इब्तदाई तौर पे जो हमें उसकी फिगर की बात मालूम हो रही है, अगर बनाए तो फिगर उसके मुताबिक बनाए। अब वो ये कह रहे हैं कि एक लाइन है जो एक्स को भी इंटरसेप्ट कर रही है और वाई को भी इंटरसेप्ट कर रही है और इस पॉइंट से वो लाइन गुजर रही है। पॉइंट हमारे पास ये है और ये दिया हुआ है और पॉइंट हमने यू बनाया, और मैंने जैसे कि कहा कि ये अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता रहता है लेकिन पॉइंट चेंज होते हैं, तो कोई टीचर अगर आपको फिगर ऐसे बना रहा है अगर उनके पॉइंट आ जाते हैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप उसी लिहाज से फिगर को शो करें। और दूसरी बात ये कि इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 है, यानी कि ए और बी दोनों के जो डिस्टेंस है उसका सम कितना है 3 है। तो अब आ जाते हैं हमने सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन 20 नंबर क्वेश्चंस का करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे द गिवन लाइन पासेस थ्रू -2, -4, यानी कि ये लाइन हमारे पास -2, -4 से पास हो रही है। और सेकंड ये कि एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट विद एक्सिस 3 यूनिट, कितना यूनिट दिया 3 यूनिट दिया है, 3 की जगह 1 भी दे देते हैं, 5 भी दिया हुआ है चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बातें हैं और अगर कोई रद्दो बदल यहाँ चेंज होता है तो यहाँ का पॉइंट चेंज हो जाएगा, यहाँ का इंटरसेप्ट का सम चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद हमारा क्वेश्चन की टेक्निक वही है, बस नंबर चेंज होने से आंसर आपका चेंज आ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे दोनों जो इंटरसेप्ट है वो हमें पता है कि हम शुरू से 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इसका हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके कैलकुलस के ऊपर जाएंगे जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कैलकुलस को मुश्किल लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको हम कैलकुलस के वो रूल बताएंगे जिसके अंदर आप चलना सीख जाएंगे। कैलकुलस में चैप्टर नंबर 4 आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद। और यहाँ पे हमारे पास ए यानी कि इंटरसेप्ट यहां से हो रहा है और बी इंटरसेप्ट यहां से हो रहा है और उसका सम जो है हमारे पास ए प्लस बी 3 दिया। अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 ले लेंगे, 5 होगा तो 5 ले लेंगे। अब जैसे कि हमें मालूम है कि हमें ए और बी में से किसी एक वेरिएबल्स की इक्वेशन बनानी है, तो हमने ए की बनाई, बी की भी बना सकते थे। बी हमारा यहां से वहां चलेगा, आपको मालूम है साइन इसका चेंज हो जाता है। तो नंबर 1 हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया। इसके बाद बाय यूजिंग 2 इंटरसेप्ट इक्वेशन,
एक तरह से ये एक फॉर्मूला है, जब आपको क्वेश्चन में ये मालूम हो रहा हो कि एक लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है, तो फिर आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। तो बेसिकली ये इक्वेशन के एक्स और वाई वेरिएबल्स रिप्रेजेंट होते हैं, और ये एक्स और एक्स का कटिंग पॉइंट और वाई का कटिंग पॉइंट, जो कि एक ए और एक बी होता है, इक्वल टू वन के इक्वल होता है। अब लाइन नंबर टू, बेसिकली ये लाइन है, इक्वेशन है, और ये पासिस थ्रू हो रही है इस पॉइंट से, जैसे कि हमें ये दिया हुआ। ऑर्डर भी चेंज करेंगे हम, पॉइंट भी चेंज कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमने करना क्या है कि इस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह जो वैल्यू दी होगी हमने वो रख देनी है। यहाँ पे माइनस टू एक्स की जगह रख दिया, वाई की जगह हमने माइनस फोर रख दिया, ए और बी फिर वैसे ही है जैसे आपको दिए हुए। फिर एलसीएम लेते हैं, तो चूंकि ए और बी दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और दोनों को हमने नीचे उतारा, ए से कैंसिल होने के बाद बी को माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस टू बी, और बी से बी कैंसिल करते हुए ए को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करके माइनस फोर ए आ गया। अब जैसे कि मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे उर्दू में बजरिया जरबे चिल्ली पाए कहते हैं, तो ए बी जो है यहां से यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन से जो भी मल्टीप्लाई होता है वन हो जाता है। इस तरीके से हमने एहतियातन इस इक्वेशन को नंबर थ्री का नाम दे दिया, क्योंकि हम जब एग्जाम में जाते हैं तो बाजूकर हमने इतने ज्यादा क्वेश्चन करके जाते हैं कि हमें नहीं मालूम होता कि हमने इक्वेशन को कहाँ कहाँ नाम देना है, और अगर आप हर तब्दीली के बाद एक नाम दे दें और वो भले आगे जाके यूज ना हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये इनके स्टॉप्स होते हैं, जहां आपको रेफरेंस देना पड़े उन स्टॉप्स का नाम आना चाहिए। तो अब हमने एक काम जरूर किया है कि ये दोनों नंबर नेगेटिव थे और ये पॉजिटिव थे, तो और करके हमने दोनों साइड हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे और ये प्लस से माइनस हो जाएंगे। ये हम डिटेल इसीलिए बता रहे हैं कि ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आपके लिए पहले से हमने सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए हम इसको डिटेल से बता रहे हैं कि हम वो अपना टाइम जो है आपको सारी बातें कि प्लस उधर जाके माइनस हो रहा है, साइन चेंज हो रही है, सारी बातें बताते गए। तो भाई ये नंबर थ्री तक तो हम पहुंच गए। अब हमने क्या करना है कि जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी, जो कि ए की बनाई थी नंबर वन से, यहां पे अगर हम चाहें, बल्कि हमें यू कहना चाहिए कि नंबर वन और ये निशान हमारे पास इम्प्लाइज दैट का होता है, ये निशान हमारे पास किसका होता है, इम्प्लाइज दैट, ठीक है। मतलब कोई भी स्टेप हमारा चलता है, तो यानी कि वन जो है यहाँ पे स्टॉप था और वन की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जो कि ए माइनस बी ए नंबर थ्री में। तो अब इन जगह पे नंबर थ्री के अंदर हमने क्या करना है कि ए की जगह उसकी वैल्यू रख देनी है, टू बी वैसे के वैसे आ गया, प्लस फोर आया, और ए की जगह हमने उसका ब्रैकेट में वैल्यू लिख दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे माइनस ए बी है, बी तो वैसे ही रहेगा, माइनस के साथ ए की वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी। फिर उसके बाद यह होगा कि बी जो है वो बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा विद साइन, और फोर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे उस साइड हम जाते हैं तो हमने ये मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। और अगर इसको भी हम डिटेल से बताएं तो इसी तरह से कि टू बी तो वैसे ही रहेगा, प्लस 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 फोर थ्री सा ट्वेल्व हमारे पास आ गया, और प्लस माइनस माइनस फोर बी आ गया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसी तरह इक्वल टू के बाद बी और माइनस को एक साथ अंदर लेके गए तो माइनस का थ्री बी आ गया, और माइनस माइनस प्लस और बी इंटू बी बी स्क्वायर। तो अब भाई इस साइड का तो काम हमारा खत्म है, आखिर में कैमरा मैन आपको पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक दिखा देगा, उसकी आप टेंशन ना लें, अभी आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। और यहाँ पे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और नहीं भी बन सकती, अगर बी स्क्वायर k
किसी इक्वल कोफिशिएंट से कट जाता है यानी कि जीरो हो जाता है, तो लीनियर इक्वेशन पे आपके पास एक बी की वैल्यू आएगी, तो फिर ए की वैल्यू आएगी, तो इक्वेशन भी आपकी ए की बनेगी। लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर बेसिकली नहीं कट रहा, और यहाँ से हमने इक्वेशन क्वाड्रेटिक को अरेंज किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है कि सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए हैं ध्यान से साइनों के साथ। यहाँ पे अक्सर बच्चे इस स्टेप में मिस्टेक कर जाते हैं, तो जब घर पे आते हैं एग्जाम के बाद तो अक्सर वो अपनी गलती को नहीं ढूंढ पाते। तो इस लम्हे आपको बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी, कोई बात करे तो आपने बहुत तसल्ली से दोबारा चेक करना है कि आपने कोई साइन मिस्टेक तो नहीं की। और अब हमने क्या किया, सारा एक साइड पे आ चुका है, और आने के बाद ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जो कि क्या बनी, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस के 12 इज इक्वल टू जीरो। एक बात मैं यहाँ पे भी बताऊंगी, स्टार्टिंग से हमारे क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ बी के बजाय हमारी ए की इक्वेशन बनती, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि नकल के लिए अकल की भी जरूरत है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपसे आगे आपसे ज्यादा बेहतर बच्चा बैठा है, अगर इस स्टेज पे उसकी ए की इक्वेशन बनी है और आपको पता लग रहा है कि उसकी ए की बनी है और आपकी बी की बनी है, तो ये घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। सेकंड ईयर के क्वेश्चंस के अंदर हमारे क्वेश्चंस की कई कई टेक्निक्स होती हैं। अभी भी कोई बच्चे अगर ऑलरेडी ये क्वेश्चन कहीं और पढ़ चुके हैं तो उन्हें ये तरीका कर काफी चेंज नजर आ रहा होगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैं यहां तक पहुंचा और आपसे बात कर रहा हूं कि ये बहुत से बच्चे इंटर लेवल में कहते हैं भाई मेथड चेंज है, तरीका चेंज है। ये वो बच्चे बात करते हैं जिनका बी ग्रेड से ऊपर नहीं आना होता, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम 30 साल से पढ़ा रहे हैं, आप पहले साल पढ़ रहे हैं। वजह ये है कि जो बच्चा ये कहता है तरीका चेंज है, तरीका बहुत माइनर सा चेंज होता है, तो वो बच्चे जो ए ग्रेड या A1 वाले होते हैं उनमें बहुत क्वालिटी होती है, वो नहीं कहते कि तरीका चेंज है, कहते बात वही है, समझ आ रही बात। तो अगर आपको अपने आप को चेक करना हो तो आप ये चेक करें कि आप कई क्वेश्चन में ये तो नहीं कहते हैं कि गाइड में और यहाँ पे या फलानी जगह तरीका चेंज है। अगर ये बात आप ज्यादा करते हैं ना, तो इसका मतलब है आप में बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं, सही है। क्योंकि वजह यह है कि ये अगर स्टाइल चेंज है तो ये कोई मेजर चेंजिंग नहीं होती, बहुत माइनर चेंजिंग होती है, और आपका माइंड अगर इसे मेजर चेंजिंग कहता है तो ये खतरे की घंटी है। तो याद रखें, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि क्वेश्चन के आप 4-5 गाइड रख लें, तरीके तकरीबन 19-20 चेंज होते हैं, समझ आए, बल्कि बात एक ही होती है लेकिन उनका स्टाइल आगे पीछे होता है, जिसे हम ये नहीं कहते कि भाई वो बिल्कुल ही अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। तो हम यहां तक पहुंचे थे, और कुछ आपको साथ साथ नसीहतें भी करते हैं, बहुत से बच्चों को शायद बेहतर लगे, बहुत सारों को ये लगे कि क्वेश्चन हमारा आगे नहीं चल रहा, लेकिन चूंकि हमें तो हर बात बतानी है और आपने अगर सुननी है और फायदा उठाना है तो आप ही का फायदा है, तो लिहाजा अब यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बड़ा काम हमारा हो चुका हुआ है। अब सिंपल अगर मैं यहाँ से आगे का टास्क बता दूं तो फिर आगे के स्टेप्स आपको दिखाऊं कि यहाँ आपकी मिडल टर्म ब्रेक होगी, 2 B के आंसर आएंगे, 2 A के आएंगे, और उसी लिहाज से आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो भाई यहाँ पे मैं यहाँ पे हमने मिडल टर्म ब्रेक करनी है, और ब्रेक करने के बाद हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, और हमने बी माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ से बी प्लस 3 बचने के बाद हमारे पास 2 B की वैल्यूज आ गई, एक 4 और एक माइनस का 3। हमने एक को रेड से लिखा है, एक को ब्लैक से लिखा है तो दोनों बी, लेकिन सिर्फ इसलिए बोला है कि हमारे जब 2 B आएंगे तो 2 A आएंगे, तो हमने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस बी से हमारा ए जो आएगा वो वही इक्वेशन थी जो हमारी नंबर 1 थी। तो या चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं नंबर 1 में। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आपका टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा
अगर यूज हो रहा है तो आप इसे शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू 4 जो है नंबर 1 इक्वेशन में रखी है, तो यहाँ पे बी के बाद रखने से हमारे पास 4 में से 3 लेस किया तो ग्रेटर नंबर की साइन आई, ए की वैल्यू -1 आ गए। इस तरह से रेड कलर में हमारा ए और बी आ गया जो कि ए -1 और बी 4 है। और इसी तरह से एक सेकंड बी था जो यहाँ से निकला था और ये माइनस में आया और नंबर 1 इक्वेशन में रख के आपका ए 6 आ गया, लिहाजा ब्लैक कलर में ए और बी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है आप रेड कलर से लिखें या आप ब्लैक कलर से लिखें। बेसिकली लाहौर बुक्स के बहुत सारे राइटर ने मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे काम किया है, कलरिंग से अपने कॉन्सेप्ट समझाए जो कि बाज बच्चों को समझ नहीं आते तो कलरिंग से पता लग जाता है। समझ आ रही बात? तो लिहाजा आप अगर चाहें तो अपने सॉल्यूशन का हिस्सा भी बना सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं बड़े अच्छे नोट्स हैं तो ये भी अच्छे बुरे स्टाइल होते हैं, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और फायदा होगा। तो भाई रेड कलर के जो ए और बी आए हैं उससे हमने जो इक्वेशन नंबर 2 थी जो हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ था, यहाँ एक्स और वाई को नहीं छेड़ना, सही है ना, वो जो कि इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ए और बी की जगह जो ए की वैल्यू आई है -1 वो लिख दी, बी की जगह 4 लिख दिया। और इसके बाद हमने एलसीएम लिया और एलसीएम आपको लेना आता होगा कि यहाँ 1 है तो यहाँ 4 है तो 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऊपर चले जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो वाई वैसे ही आ जाएगा। अब 4 यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, हमारी ये शक्ल बन रही है। और चूंकि हमारा मैथ्स में एक बेहतर अंदाज होता है कि अगर पहली टर्म आपकी नेगेटिव आ रही है ना तो मैथ्स के अंदर कुछ इतना लाइक नहीं किया जाता, तो पहली टर्म को जरा प्लस कर देना बेहतर होता है। हमने और करके हमें पता है कि अगर हम नेगेटिव दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हमारा प्लस और ये प्लस माइनस और ये वहां पे जाके माइनस ही है, लेकिन इसमें हमने बुक का आंसर लाने के लिए वहां से हम इधर शिफ्ट किया है तो वो माइनस ही है, इधर आके प्लस हो गया। अब इस बात में हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ए और बी हमारे पास ये आ चुका है और दोनों की वैल्यूज आने के बाद हमने रखने के बाद उसी तरह एलसीएम लिया है, आप देख सकते हैं, और देखने के बाद 6 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने ये जो टिक किया है तो बेसिकली इसके 2 आंसर्स आए, एक ये इक्वेशन आई है और ये दूसरी इक्वेशन आई है। अच्छा, अभी जो नया सिलेबस आया है क्लास मैट्रिक में उसमें 6 चैप्टर उन्होंने ग्राफ का जो है उसमें हटा दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखें कि ये बहुत गलत हुआ क्योंकि मैट्रिक के अंदर अगर ग्राफ हट जाता है तो सेकंड ईयर के अंदर आपको पता है 2 चीजों का जिक्र बहुत होता है जो मैट्रिक में पढ़ी होती हैं, एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और दूसरा आपका ग्राफ। लेकिन बहरहाल सिलेबस जो भी उन्होंने बनाया कुछ अजीब ही बनाया, क्योंकि ग्राफ को किसी सूरत में मैट्रिक से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वही ग्राफ आपके यहाँ देखें, ये अगर एक लाइन है तो इसका भी एक ग्राफ है, ये लाइन है तो इसका भी एक ग्राफ है, तो ग्राफ ही जब नहीं करेंगे तो आपको क्या चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ क्योंकि 6.2 इन्होंने इस साल रिड्यूस कर दी है, लेकिन वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लें तो बेहतर है, क्योंकि आप मैट्रिक लेवल में आज अच्छा करेंगे तो कल आपको बेहतर होगा। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो जरूरी नहीं है कि हमारी, अब क्योंकि ये तो हमने इब्तदा में जो क्वेश्चन पढ़ा था एक फर्जी, जैसे एक इंसान का एक स्टेचू बनाते हैं या उसकी एक तस्वीर बनाते हैं, तो हमने इब्तदाई तस्वीर बनाई थी, लेकिन ये जो 2 इक्वेशन आई है हमें करना नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ प्लॉट करेंगे तो वो जरूरी नहीं है वो ऐसे ही हो, लेकिन ये जरूर है कि ये दोनों इक्वेशन इसी पॉइंट से गुजर रही होंगी। समझ आ रही बात? वो इसी पॉइंट से गुजर रही होंगी, लेकिन अब जो आ चुका ये आंसर है। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस लाइन्स को यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो आप देखेंगे जो आई है इक्वेशन वो इसी पॉइंट से गुजरेंगी, लेकिन क्या है
कि यहाँ पे अगर आप इस वाले पॉइंट को देखें, ये फिर मैं बता रहा हूँ ये करना नहीं है। वो बच्चे यहाँ से वीडियो देखेंगे जिन्होंने सीखने के बाद कुछ और सीखना है, कुछ बेहतर सीखना है। ए क्या है? माइनस वन। आप अंदाजन अगर यहाँ पे माइनस वन अगर आप यहाँ पे सपोज करें, ये सारी मैट्रिक के ग्राफ की बात है, और हमारा बी जो है प्लस का फोर है। अब इस लाइन को थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, ओके। ऊपर बढ़ाएंगे तो हमारा फर्ज करें फोर इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दो पॉइंट से गुजरते हुए लाइन इस वाले पॉइंट से गुजर रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाली लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, लेकिन उसका गुजरना ऐसा नहीं है कि वो बी को भी कट कर रही है, यहां से कर रही है, यहां से कर रही है, बल्कि वो बी को यहां से कट कर रही है और ए को यहां से कट कर रही है। तो ये हमारी पहली फिगर थी। और दूसरी फिगर अगर हम देखें तो बी इसमें आ रहा है माइनस थ्री, और बी माइनस थ्री आपको अगर हम ये माइनस फोर ले रहे हैं इधर, इसको माइनस फोर ले रहे हैं तो माइनस थ्री हमारा इधर होगा, ठीक है। माइनस थ्री हमारा यहां से होगा ये पॉइंट, और वाई हमारे पास एक्स जीरो है, वाई हमारे पास माइनस थ्री है, और ए हमारा प्लस सिक्स है। तो अगर हम यहां पे इसको कट कर रहे हैं और माइनस टू हम यहां शो कर रहे हैं, और ए जो है हमारा प्लस सिक्स है, तो कहने का मतलब है कि प्लस सिक्स हमारा बहुत दूर जा, यानी हमारे पास जगह नहीं है, इधर जाके आ रहा है तो इस जगह से आ रहा है, तो वो यहां से जब आएगा, ठीक है, तो वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा। तो एक्चुअल फिगर हमारी यूं बनती है। लेकिन बाद बच्चे जो जरूरत से ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो वो ये भी करते हैं कि एंड में जो इक्वेशन आए उनकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो वो अपनी फिगर उसके मुताबिक बना देते हैं। उससे सिर्फ ये होता है कि एक बच्चे के बारे में जो चेकर होता है उसे पता लग जाता है कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला बच्चा है, कि इसने जो एक्चुअल इसकी फिगर है वो भी बना रहा है। लेकिन ये याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं है जो अभी मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन को प्लॉट किया, लेकिन ये मैंने एक एडवाइस दी है, क्योंकि वजह ये है कि जो बच्चे बहुत अच्छा जानते हैं उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये किस तरीके से। तो अब हमारी वीडियो खत्म है, और खत्म से पहले हमारा कैमरामैन आपको ऊपर से लेके नीचे तक वीडियो दिखा देता है, क्वेश्चन दिखा देता है, और आप देख लें। हाँ, तो आपने अब एक दफा क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, तो अब हम इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह ये नोट करें कि कैलकुलस का चैप्टर फोर आपको हम इस तरीके से समझाएंगे अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीक होगी, कि आपकी डेरिवेटिव बेहतरीन हो जाएगी। समझ आ रही? हम कोई ऐसा नहीं करेंगे कि बुक के क्वेश्चन समझाएंगे, हम आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देंगे। मेरा फेवरेट चैप्टर फोर, फाइव और सिक्स, वो भी इसलिए कि इसके अंदर अगर आप सही बातें जहन में बिठा लें तो आप डेरिवेटिव में बेहतरीन चीता बुक से भी हट के क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे। तो अब आपसे हम इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम कैलकुलस सेक्शन से करेंगे। इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।